Hey guys, I'm back with another video. So, इस वीडियो में देखेंगे ऐसी पांच स्किल जिससे आप किसी को भी नेट मैक कर सकते हो इजीली। सो जो पहली स्किल है वो है रोल ओवर एंड पाना। इसमें आपको अपने सोल से बॉल के ऊपर से रोल ओवर करना है कुछ इस तरह, और फिर अपने दूसरे लेग से आपको डिफेंडर के बीच में से निकालनी है। इसमें हुआ क्या, जैसे आप रोल ओवर करोगे तो डिफेंडर उससे रिएक्ट करने के लिए अपनी एक टांग को मतलब बॉल की तरफ ले जाएगा ताकि वो आपको ब्लॉक कर सके। तो आप उस टाइम अपनी दूसरी टांग से बॉल को उसके पैर के बीच की तरफ मारनी है ताकि बॉल उसके पैर से पास हो जाए और आप इजीली कटा के ले जाओ। तो ध्यान रहे कि उसके बाद कोई डिफेंडर ना हो, क्योंकि वो आपसे ले लेगा आराम से। नाउ द सेकंड स्किल इज रोल ओवर एंड पाना। इसमें आपको सिंपल खड़े रहना है, डिफेंडर आपके पास आएगा, आपको अपने कोई भी राइट या लेफ्ट लेग, जो भी आपका डोमिनेंट लेग है, उससे आपको क्रॉस ओवर करना ताकि डिफेंडर को लगे कि किसी डायरेक्शन में राइट या लेफ्ट जा रहा है। तभी आपको अपने पिछले पैर से बॉल को आगे तरफ पुश करना है ताकि उसके पैर के बीच में निकल जाए। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि डिफेंडर तभी करना जब डिफेंडर आपके थोड़ा क्लोज हो, वरना अगर आप थोड़े दूर होंगे डिफेंडर को लगेगा पता किसने कोई फेक था ये, और वो इजीली आपकी बॉल कैच कर लेगा। अगर बाद तक निकल भी गई बॉल तो आई थिंक अपने लाइक पीछे मुड़ के वो कैच कर लेगा बॉल को। तो याद रहे कि काफ़ी पास हो डिफेंडर आपके तभी करना है स्किल, तो ये काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। नाउ द नेम ऑफ द थर्ड स्किल इज ड्रैग बैक पाना। उसके लिए एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि सिचुएशन कैसी होनी चाहिए जिसमें ये स्किल बेस्ट वर्क करेगी। सो दो चीज़ें, डिफेंडर आपके पीछे होनी चाहिए बैक पे, और आपको भी आपके बैक पे जाना है घूम फिर के। तो मान लो आप कहीं फंस चुके हैं और आपको निकलना है, डिफेंडर आपके पीछे ही है जस्ट, और कोई टीममेट नहीं पास करने के लिए, तो आपको कैसे मैनेज करना है और डिफेंडर से कैसे निकालनी है बॉल। सो करना क्या कि पहले आपको बॉल अपने फुट चल कर से आगे ही जानी ताकि उसे लगे कि वो आगे से निकालने वाला है बॉल, तो अपनी किसी एक लेग को एक्सटेंड करेगा उस डायरेक्शन में, और उस टाइम को अपने उसी लेग को पीछे करके, एक्चुअली उसे पीछे नहीं करना, आपको जो आपकी मेन लेग है, जो नॉन डोमिनेंट लेग है, जो उसी जिससे आप खड़े हो, एक लेग आपके बॉल के ऊपर है और एक लेग जो जमीन पर कॉन्टैक्ट हो रखा है, तो उस लेग से जंप करके एक स्टेप आगे आना है, और बस, और जो बॉल के ऊपर जो पाँव है उससे आपको बस पीछे की तरफ अपनी दूसरे लेग की तरफ रोल ओवर करना है और वो उसके पैर के बीच में निकल जाएगी। एक और चीज़, इस स्किल को रियल में करने से पहले एक बार प्रैक्टिस करना फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ कि आपने आपको ठीक से आती है कि नहीं आती। ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्किल्स, बट इसमें कभी कभार रिस्क भी काफ़ी होता है, सो थोड़ा ध्यान से करना। नाउ द फोर्थ स्किल इज़ आउटर इलास्टिको। काफ़ी बढ़िया स्किल है, हर जगह काम करती है और ऑलमोस्ट हर जगह सक्सेसफुल भी रहती है, और कुछ क्रेजी स्टेप ओवर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक पाँव की स्किल है, काफ़ी इफेक्टिव है। सो इसमें करना क्या, आपको सिंपली आपको अपने इनर फुट से बॉल को इस तरफ ले जाना है, जैसे ही अगला डिफेंडर या ओपोनेंट रिएक्ट करेगा उससे, तभी आपको अपने आउटर फुट से उसके पैर के बीच में से निकाल देना है, और अगर बाई चांस अगर वो पैर भी मतलब खो लेना या फिर आपको जगह ना दे पैर के बीच में से निकालने की, सिंपल आपको ओवर का साइड कर देना ताकि वो मतलब उसके साइड से निकल जाए और वो दूसरे डायरेक्शन में चल जाए, तो मतलब ये हर जगह काम आती है। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट स्किल इज़ नो लुक पाना या नो लुक नटमैग। सेम चीज़ है, सो सिचुएशन बिल्कुल सेम है जैसे ड्रैग बैक पाना में थी कि डिफेंडर आपके पीछे होगा, आपको इस तरह बॉल ले जानी है और मेनली आपको नटमैग करना है, फिर वैसे ले जानी बॉल, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्टिंग करनी है, फेंक देना है कि आप उस तरफ पास कर रहे हो, शूट मार रहे हो, बट एकदम से आपको बॉल उसके पैर के बीच में से ले जानी है, और कब ले जानी है या फिर कब वो अपनी टांग खोलेगा इसका अंदाज़ा आपको तब लगाना है जब आपके पीछे पीछे चल रहा होगा, आपको फॉलो कर रहा होगा रोकने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो उस टाइम को देखना कि आपको अपनी लेग की मूवमेंट कैसे कर रहा है, वो खोल रहा है इतना नहीं खोल रहा। सो ये स्किल थी नंबर 5। और हाँ, इन सब की प्रैक्टिस पहले कर लेना प्रैक्टिस सेशन में ताकि मैच में गलतियाँ ना करो। तो ऑल द बेस्ट। सो ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो वीडियो ऑडियो एडिटिंग कुछ भी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको बताइए, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इसके साथ किस पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कोई सजेशन वगैरह हो तो डाल देना कमेंट सेक्शन में। एंड दिस इज आदर्श शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।